इस मॉड्यूल में हम बात करते हैं वर्टिब्रेट टीथ की क्योंकि टीथ जो है ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और आ, ये इसके बगैर है कि हम फ़ूड च्यू नहीं कर सकते या फिर जो हरबी भोज हैं दे कैनोट चू देर फॉडर एंड सो ऑन तो तक़रीबन तमाम वर्टिब्रेट्स दैट इज ऑलमोस्ट वर्टिब्रेट टीथ दे एक्सेप्ट बर्ड्स टर्टल्स एंड बेलिन वेल्स इन तीन यूज हम देख डिफरेंट एनिमल्स के अंदर uh, इसके अंदर ए सच टीथ नहीं है जिस तरह हमारा कॉन्सेप्ट है टीथ का तो दर्ड्स लैक टीथ प्रॉबेबली टू रिड्यूस बॉडी वेट और फ्लाइट क्योंकि इसके अंदर आपको पता न बर्ड्स के अंदर होलो बोन्स भी होते हैं टू रिड्यूस देट क्योंकि उन्हें उड़ना होता है और इसलिए ये एक के, के बगैर हैं ये एनिमल्स और आ, क्योंकि तो हल्का मालूम मालू, मालू, महसूस करने के लिए तो वो दे डोंट हैव द टीथ इन देर बकल कैविटीज स्नैक्स के अंदर देखें तो ये स्नैक्स के अंदर जो टीथ हैं दे आर बैकवर्डली प्रोडेक्टिंग और आ, बैकवर्ड टू मकसद यही है क्योंकि इन्हें हम इन्हें हम, आ, इसके पीछे इसके बिल्कुल पीछे दिरा 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 विजर, विजर विद दिस टीथ, टीथ। और ये आ, दे जब ये swallow करते आपको पता है दिस, ये जो हैं दे आर नॉट मारचूंग बल्कि ये एनिमल जो है इसने एक पूरे का पूरा जो एनिमल है दूसरे एनिमल्स उनको 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 गल्प कर लेता है उनको स्वेलो कर करता है और ये जो टीथ होते हैं ये असल में इन्फ्लिक्ट करने के लिए उसको पॉइजन देने के लिए तो इट्स ऑफ इंजेक्शंस हैं जो इसको इन्फ्लिक्ट करता है और वो एनिमल वो फिर बेहोश हो जाता है और फिर उसको बहुत आसानी से पूरे माउथ खोल के उसको एनगल्फ करता है तो इसके अंदर द केनाइन टीथ ऑफ वल्फ्स वल्फ के अंदर केनाइन टीथ है जो कि स्पेशलाइज्ड है रिपिंग फूड तो ये टीथ की मुख्तल एनिमल्स के अंदर या वर्टिब्रेड्स के अंदर बहुत बहुत ही वराइटी है अब उसके बाद द टीथ दे आर स्पेशलाइज्ड ये भी टीथ की मॉडिफिकेशन है और बॉडीफिकाई हुए विद द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड तो अगर हार्ड फूड है जैसे हम हर्बी वोर्स में देखते हैं और प्लांट ईटर में देखते हैं तो वो उनके टीथ बहुत ही बैक उसकी जो चीक बोन्स के या जिन्हें हम कहते हैं चीक टीथ हैं वही पाए जाते हैं सिर्फ फ्रंट के टीथ जो हैं वो दे आर जस्ट टू कट आ, आ, या निबिंग करने के लिए है जैसे जैसे अब हम इस, इस ये स्केलेटन है ये स्कल है आ, और ये हम देख रहे हैं कि ये ख़ास तौर पर दीज आर दीज आर टीथ विच आर टू चू दूड फिर उसके बाद ये इट इज ऑफ कार्निवोर जिसके अंदर ये कारनेजियल टीथ हैं और ये केनाइन है जो कि uh, चीर फाड़ करने के लिए पिश दूसरे एनिमल्स की चीर फाड़ करने के लिए दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग और ये इससे भी आप फेमिलियर होंगे कि देर आर फोर टाइप्स ऑफ टीथ जिसके अंदर फ्रंट टीथ हैं विच आर सेट टू बी साइज देर आर देना जैसे ह्यूमन के अंदर अगर हम हाफ जा की बात करें तो इसके अंदर देर आर टू इन साइज के नाइन और उसके बाद देर आर टू थ्री देर इज टू प्री मोल एंड थ्री मोलर्स तो इस तरह टू वन टू थ्री ओवर टू वन टू थ्री दिस इज वट इज कॉल्ड द कॉल्डल फार्मूला ऑफ ह्यूमन और इसमें हर भी वो इसके अंदर एक बात चीज एक चीज हम देख रहे हैं वो ये है कि दिस द पोर्शन दिस द पोर्शन विच इज विदाउट टीथ ये फ्रंट टीथ है विच आर इन साइज और उसके बाद जैसे गैप और ये गैप गा, जो है जिसे सेट टू तो बी डायस्टमा कहते हैं इसे हम डायस्टमा कहते हैं और क्योंकि इन एनिमल्स के अंदर जैसे हॉर्स है या फिर बफलो है या फिर काउस है तो इसका माउस जो है उसकी बकायदा मज़ल होती है तो ये स की वजह से उस जॉ के अंदर इज़ अ विदाउट टीथ पोर्शन लेकिन च्यूइंग जो है च्यूइंग का प्रोसेस

उनकी बार्क को इस्तेमाल करते हैं एज फूड और देन वी हैव वी आर वेरी फेमिलियर विद विदीज ट जो कि अपर टीथ हैं उसकी बहुत ही इलॉन्गेट हो जाते हैं एलिफेंट के अंदर सो द एलिफेंट हैज टू ऑफ इट्स अपर फ्रंट टीथ आर स्पेशाइज एज वेपन्स एंड फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट्स और बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं जिसकी वजह से ये बहुत फाइट भी करता है और बाज एलिफेंट्स के अंदर तो बहुत बड़े बड़े होते हैं अबाउट ए मीटर लॉन्ग About a meter long, these teeth. Then we have uh, next. Uh, there is uh, human's pig pig's bear's raccoon's ke andre, and a few other mammals are there. They are said to be the omnivores. Or omnivores, they are से उनके हर किस्म के टीथ. जैसे हमने ज़ेकर किया कि cut karne ke liye bhi teethen, which are incisors. They are strong teeth which are the canines, and then the premolars and the molars. और ये प्रीमोल्ज और मोलर्स जो हैं दे आर मेनली दे आर मेंट फॉर मेस्टिकेटिंग द फूड च्यूइंग द फूड इन टू वेरी स्मॉल पीसेज इस तरह ये मैकेनिकल mechanical, मैकेनिकली उनको स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट करने का मकसद होता है ताकि ये इनगल्फिंग भी आसान हो जाए क्योंकि हम अगर हम बहुत बड़ा बोलस है या यूं समझें कि बहुत बड़े बड़े चंक्स हैं फूड के तो उनको एज सच एनगल्फ नहीं किया जा सकता तो इसलिए डीज टीथ दे आर मैंट फॉर चूइंग द फूड और स्मॉल पीसेज हो जाए और वह फिर आसानी से वो ये चीक, चीक, चीक मसल्स और टंग की मदद से देन दे आर एनगल्फ तो दिस इज ऑल अबाउट द टीथ अगचे अगचे ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके ऊपर हम स्ट्रक्चर्स इस आ, स्टेज पे ऊपर या आपकी इस बुक के अंदर ये जो स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ है डिटेल के अंदर वो कहीं और है तो यहाँ पे हम सिंपली ये देख रहे हैं कि मुख्तल एनिमल्स के अंदर ये टीथ किस तरह के होती हैं और उनका फंक्शन क्या है तो दिस इज ऑल अबाउट दिस मॉड्यूल